हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि रियर व्यू मिरर है। इसका मतलब ये क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसके लिए की कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाएंगे क्वेश्चन में? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन में क्या क्या है। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद से दिया हुआ है कि बस कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड है 5 मीटर पे। ठीक है, इसका मतलब यू का वैल्यू क्या है? यू का वैल्यू है 5 मीटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो यहाँ से फोकस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R/2। इसका मतलब 3/2 वैल्यू जब सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यू का वैल्यू होगा, ये नेगेटिव में होगा। इसलिए नेगेटिव में होगा क्योंकि कन्वर्जिंग हो या फिर डाइवर्जिंग हो, जो इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे? मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/f, f का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, तो ये होगा 1.5 इज इक्वल टू 1/v, v नहीं पता, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना है? ये है नेगेटिव में -5। इसको जब सॉल्व करेंगे किसके लिए? v के लिए, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.5 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 और प्लस में हो जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ से 1/v का वैल्यू क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया 15। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 10 + 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/15। ठीक है, अगर v का वैल्यू पूछे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/13। ठीक है, और इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे मीटर में है, ये आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें इसका नेचर भी बताना है। इसका नेचर की बात करते हैं, तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले वर्चुअल बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, और इसका जो एम का वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू इसका मतलब छोटा बनेगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।